देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की घटना की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होगा। जहां तक महिलाओं के ऊपर सुरक्षा की बात थी तो भाई मीडिया के ही लोगों ने खुद ही विश्लेषण दिया था कि इस चुनाव में हमारी विजय में सबसे बड़ा कारण जो था ये था कि महिलाओं ने तुलनात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा भाजपा को वोट दिया। और क्यों वोट दिया? चूंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर हमारे यहाँ था। ये तो कोई इसमें किंतु परंतु की बात ही नहीं थी। परंतु मुद्दा तो आपने यूसीसी पूछा था ना, उस पर बोलेंगे नहीं ना, वो यूनिफॉर्म कारण हम बता रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता भारत के संविधान निर्माताओं का मूल भाव था। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक नहीं अनेक बार कह चुका है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्वों में ही है। और एक और बात बता दूं, जो माइनॉरिटी से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, इस देश में एक राज्य है जहां 60 साल से कॉमन सिविल कोड है, वो राज्य कौन है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, किसी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं है, न क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम है, न सिखों को प्रॉब्लम है, न बौद्धों को प्रॉब्लम है, न पारसियों को प्रॉब्लम है, न ज्यूज को प्रॉब्लम है, एक को प्रॉब्लम है, जानते किसको? बीजेपी को। जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है, जिनको लगता हम कभी बादशाह आलमगीर थे, कभी पातशाह गाजी जिंदा पीर थे, कभी निजामुल मुल्क थे, कभी हुजूर नवाब थे, और कभी हुक्मरान वक्त थे, और बाकी वो हैं जो उनको उनके दिमाग में ये चीज पैबस्त रखना चाहते हैं। तो केवल एक एक वर्ग को और उस वर्ग की कट्टरपंथी विचार को बढ़ाने वाली जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर जमात है उनको प्रॉब्लम है, अन्यथा कॉमन सिविल कोड में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और एक और बात कहना चाहता हूं जी, जब मजहबी अकीदे की बात आती है यानी धार्मिक आस्था, तो देखिए धर्म में अलग अलग आस्था होती है। जब आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, गुनाहों का, भाई हमारे यहां कहते हैं गंगा स्नान करके आओ, हमारे यहां कहते हैं गोदान करो, फला यज्ञ करो, किसी क्या कहते हैं, इनके यहां कोई और तरीका होता है, उसमें आप कहें कि जो मेरे से गुनाह हो गए उसमें मैं अपना धर्म अलग रखना चाहता हूं, समझ में आता है। मगर साहब गुनाह में तो कॉमन चाहिए, मतलब चोरी करने में हाथ नहीं कटवाने हैं, दारू पीने पर कोड़े नहीं खाने हैं, और जरूरत पड़ने पर पत्थर नहीं पड़वाने हैं। मगर साहब जब प्रॉपर्टी में राइट मिले तो उसमें हमारा होना चाहिए। तो मुझे लगता है हम अगर ये बात कहें, ईमान के पूरे हो ना, फिर आधे काहे होते हो, फिर सिविल में क्यों, क्रिमिनल में भी मांगो, और नहीं तो दोनों में स्वीकार करो। हरीश भाई, सबसे पहले तो मैं ऐश्वर्य आपको, अर्णब को, पूरी पब्लिक भारत को, तब पूरे आपकी टीम को आज के इस रिपब्लिक भारत सम्मेलन की कामयाबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। स्पेशली बॉम्बे, और जैसा अभी अर्णब ने कहा कि हम 2 साल के अंदर रिपब्लिक को हर लैंग्वेज के अंदर डाल देंगे, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड वी विल बी गेस्ट इन ऑल योर चैनल, आई कैन स्पीक गुजराती ऑल्सो, डोंट वरी फॉर दैट। अब बात आई, आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया, राष्ट्र सर्वोपरि पर, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा राष्ट्र सर्वोपरि पर, संविधान सर्वोपरि पर है जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया, मगर क्या ये लोग मानते हैं राष्ट्र सर्वोपरि पर? आप नहीं मानते, इनके लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि पर क्या है, सिर्फ जुमला और झूठ बात करना है। आप कह रहे हैं कि ये मानते अभी सुनिए, अभी इन्होंने बात का नारी सम्मान की, बिल्कुल अच्छा है, नारी का सम्मान होना ही चाहिए, हमारी माँ बहन बेटी है, देश की हर नारी की इज्जत होनी चाहिए। मगर आपको मैं एक वाक्य याद दिलाऊंगा, 15 अगस्त 2022 के दिन लाल किला से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सम्मान की बात कर रहे थे, नारी एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, और उसी ही दिन गुजरात में जहां इनकी सत्ता है वहां पर एक नारी जो आपकी हमारी बहन होती है बिल्किस बानू, जिसका 2002 के अंदर कुछ बलात्कारी दरिंदों ने बलात्कार किया, उसके परिवार में उसकी मां का बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया, उसकी बहन का बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया, उसकी 3 साल की बेटी का सर पत्थर से फोड़ के मार दिया, वो बलात्कारियों को उसी 15 अगस्त के दिन सुधांशु जी आपकी गुजरात की सरकार रेमिशन पॉलिसी के थ्रू छोड़ देती है, तो क्या ये नारी का सम्मान है? क्या आप इस बात से सहमत है क्या सुधांशु जी? पहले तो मेरे इस बात का सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे अपनी बात रखूंगा, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। आपने भी उठाया नारी सम्मान की बात, आप चाहते हो दरिंदे बाहर घूमे या आप चाहते हो कि उनकी जगह सलाखों के पीछे, क्योंकि बिल्किस बानू हाथ जोड़ जोड़ के मीडिया को कह रही है कि मुझे डर लग रहा है वहां रहने के लिए, मैं नहीं रह सकती वहां पर। और एक चीज की तारीफ करूंगा कि अर्णब ने उस दिन डिबेट किया था, उसमें मैं उसमें हाजिर करना बनता ना, इसलिए हमने बात की भी उसके करना बनता।